मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय 11 दिसंबर को पंखाजूर में देंगे 2,54,15,00,000 रुपए के 68 विकास कार्यों की सौगात। 215.41 करोड़ रुपए के 43 कार्यों का भूमि पूजन, 38.74 करोड़ रुपए के 25 कार्यों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बुधवार 11 दिसंबर को कांकेर जिले के पंखाजूर के प्रवास पर रहेंगे और इस दौरान वे जिले की कुल 2,54,15,00,000 रुपए के 68 विकास कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण की सौगात देंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री साय जिले के पंखाजूर प्रवास के दौरान कांकेर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नसहरपुर विकासखंड के दलदली के कमार पारा सड़क निर्माण कार्य हेतु 96.70 लाख रुपए, अभियोपारा से बासन वाही बाजार पारा सड़क निर्माण कार्य हेतु 70.85 लाख रुपए, मावली पारा से कमार पारा सड़क निर्माण कार्य हेतु 51.23 लाख रुपए, गवारसिली से खासपारा सड़क निर्माण कार्य के लिए 33.11 लाख रुपए की शामिल हुए हैं। आपको बताते चलें कि इसी प्रकार जिले में 38.74 करोड़ रुपए की लागत के 25 विकास कार्यों का लोकार्पण श्री साय द्वारा किया गया है। साथ ही बता दें कि भवन निर्माण कार्य के लिए 191.51 लाख रुपए तथा भानु प्रतापपुर के ग्राम लोहत्तर में गोदाम सह कार्यालय निर्माण कार्य के लिए 25.56 लाख रुपए का लोकार्पण कार्य शामिल है। महिला सुरक्षा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कार्यक्रम में हम होंगे कामयाब अभियान के अंतर्गत मुख्यमंत्री मोहन यादव द्वारा जारी किए गए संदेश को सुनाया भी गया है। महिला संवाद किया, सुरक्षा भी गया और जेंडर संवेदनशीलता व भेदभाव उन्मूलन पे बात भी की गई। बच्चों को व्यावहारिक जीवन में आने वाली समस्या के निदान हेतु जागरूक भी किया गया है। उपस्थित सभी प्रतिभागियों को बाल विवाह मुक्त भारत की शपथ दिलाई है और इंदौर राज्य शासन के निर्देश अनुसार इंदौर जिले में हम होंगे कामयाब अभियान का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा संबंधित विभिन्न पहलुओं पर आधारित जागरूकता के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। साथ ही कंबेर चौकी प्रभारी सतेंद्र सिंह सिसोदिया द्वारा बताया गया है कि स्कूलों में भी बालिका और महिलाओं को सुरक्षा की समझाइश व किसी प्रकार की खतरे का भय या अभी प्रकार से शराब की दुकान कुछ भी समस्याएं आती है तो ट्रायल 100 पर पुलिस द्वारा मदद ले। उस बारे में समझाइश दी गई और वर्तमान में जो साइबर क्राइम हो रहा है उससे बचाव के तरीके बताए गए एवं बालिकाओं के प्रति जो जघन्य अपराध हो रहे हैं या अनैतिक कार्य हो रहे हैं उसके संबंध में उनको समझाइश दी गई और सभी बालिकाओं को और आसपास जो ग्रामीण जन थे उनको हेल्पलाइन नंबर दिए गए और सुरक्षा की उनको गारंटी दी गई। सर, हेल्पलाइन शिकायत के जो नंबर है वो बता सकते हो, कोई भी महिला लगा सकती है? हाँ, सबसे पहले तो आप किसी भी आपात स्थिति में 100 नंबर डायल करें। दूसरा, हम जो वर्तमान में बीट इंचार्ज के नंबर और चौकी प्रभारी के नंबर एवं थाना प्रभारी के नंबर उनको नोट कराए गए हैं, साथ ही साथ महू पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर भी उनको दिए गए हैं। आपका परिचय सर? मैं उप निरीक्षक सत्येंद्र सिंह सिसोदिया, चौकी इंचार्ज कंपेयर, जिला इंदौर ग्राम। इलाहाबाद हाई कोर्ट में 180 साल पुरानी नूरी जामा मस्जिद फतेहपुर के प्रबंधन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग की प्रस्तावित कार्रवाई को चुनौती देते हुए याचिका दाखिल की है और सड़क चौड़ीकरण के उद्देश्य से मस्जिद के एक महत्वपूर्ण हिस्से को ध्वस्त किया जा रहा है। नूरी जामा मस्जिद को गिराए जाने से रोकने और विरासत स्थल के रूप में इसकी मान्यता और संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मस्जिद समिति ने याचिका में हाईकोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया है। याचिका पर शुक्रवार को न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई होनी थी, लेकिन समय अभाव के कारण सुनवाई नहीं हुई और अब मामले की सुनवाई आगामी 13 दिसंबर को होगी।
याचिका में बताया गया है कि फतेहपुर जिले के लालोली गांव में स्थित नूरी जामा मस्जिद में 100 साल पुरानी मस्जिद है जो कि उस समय की प्रचलित स्थापत्य शैली से बनी हुई है। यह ऐतिहासिक रूप से स्थानीय मुस्लिम समुदाय के लिए धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक केंद्र के रूप में कार्य करती है। यह पूजा स्थल सांस्कृतिक संरक्षण के रूप में भी कार्य कर रहे हैं। याचिका के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वह समिति द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रतिवेदन पर विचार करे और निर्णय ले जिससे कि नूरी जामा मस्जिद को प्राचीन स्मारक पुरातत्व स्थल व अवशेष अधिनियम 1958 के तहत संरक्षित स्मारक घोषित करने की प्रार्थना की गई है। और साथ ही प्रदेश सरकार को भी यह निर्देश देने का अनुरोध किया है कि वह मस्जिद को जारी किए गए नोटिस के तहत कोई कार्यवाही न करे। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।